नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के हजारों बेरोजगारों ने अब गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान में सभी लंबित भर्तियों को पूरा करवाने और सभी सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर नई भर्तियां करवाने की मांग को लेकर सोमवार को प्रदेश भर के बेरोजगार राजधानी जयपुर में आयोजित महापंचायत में जुटे शहर के 22 गोदाम पेट्रोल पंप के निकट बेरोजगारों की महापंचायत बुलाई गई। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के मद्देनजर राज्य भर के अभ्यर्थियों से इसके लिए आह्वान भी किया था। वहीं आपको बता दें, पेपर लीक प्रकरण जैसे मामलों में सख्त नियम बनाने की बेरोजगारों ने मांग की है। प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने और किसान आंदोलन के कारण पूर्व में तय AICC दिल्ली कूच की रणनीति को बेरोजगार संघ ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको दे दें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं 12वीं एग्जाम का टाइम टेबल जल्द ही जारी हो सकता है। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 मई के आसपास शुरू होगी। परीक्षा 30 मई तक संपन्न हो सकती है। इसके तुरंत बाद परिणाम घोषित करने की भी तैयारी कर ली है। दरअसल पिछले साल परीक्षाएं कोरोना के चलते देरी से हुई और पूरा सेशन लेट शुरू हो सका। इसी तरह पॉलिटेक्निक व ITI सहित मेडिकल के कुछ कोर्सेज में 10वीं के बाद ही प्रवेश होता है। ऐसे में राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को साफ आदेश दिया है कि जून के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट घोषित करना होगा। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। इनको तो आप जानते ही होंगे, पिंकी। दौसा में नेशनल हाईवे निर्माण के ठेकेदारों से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने वाली SDM पिंकी मीणा की अब 16 फरवरी को शादी है। शादी के कार्ड पर सामाजिक संदेश लिखवाया है पिंकी ने। पिंकी ने अपने शादी के कार्ड पर लिखवाया है, इतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इनका शादी का कार्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। मजेदार बात और भी है कि रिश्वतखोरी के मामले में निलंबित SDM पिंकी मीणा की शादी अब एक न्यायिक अधिकारी से हो रही है, जो कि राजस्थान न्यायिक सेवा में चयनित हुए हैं। आपको बता दें, रिश्वत लेने के आरोप में पहले दौसा की SDM पिंकी मीणा को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ ही दूसरे SDM पुष्कर मित्तल को भी 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पिंकी मीणा 29 दिन तक जयपुर की महिला जेल में जुडिशियल कस्टडी में रही। शादी तय होने पर हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। 21 फरवरी को वापिस कोर्ट में सरेंडर पिंकी को करना होगा। अगली बड़ी खबर आपको दे दे, किसान कर्ज माफी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि सहकारी बैंकों के सभी कर्ज हमने माफ कर दिए हैं। हालांकि सच्चाई आपको पता है कि कितने किसानों के कर्ज माफ हुए हैं और कितनों के नहीं, फिर भी मुख्यमंत्री ने कहा है तो बड़ी खबर बन जाती है। साथ में मुख्यमंत्री गहलोत ने यह भी कहा है कि हमने तो सहकारी बैंकों के सभी कर्जे माफ कर दिए हैं, लेकिन राष्ट्रीय बैंकों के कर्ज माफी के लिए केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको दे दे, आज राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मकराना से भाजपा विधायक रूपा राम को बोलने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत राहुल गांधी के हाल ही में हुए मकराना दौरे से कर दी। इस दौरान उन्होंने यह तक कह दिया कि मकराना में राहुल गांधी के आने पर कई झलकियां देखने को मिली। उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा कि राहुल जी मकराना आ गए, छा गए और नया इतिहास बना गए, क्योंकि मार्बल के हजारों व्यापारियों को किसान बता गए। यही नहीं रुके रूपा राम, उन्होंने आगे कहा कि अगर टूट जाए खाट तो फिर क्या करेगा बेचारा जाट। इस पर नाराज होकर सदन में मौजूद PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उछल पड़े, जिसके बाद फिर राजेंद्र राठौड़ सहित भाजपा विधायकों ने राहुल गांधी को लेकर विवादित शब्द कहे। इसी बीच सदन में प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को लेकर विवादित शब्दों का उल्लेख होता रहा। विधानसभा में पप्पू गप्पू और जोकर के नारे लगते रहे। एक और बड़ी खबर आपको दे दे, राजस्थान पुलिस के इनामी गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ पपला को अलवर की किशनगढ़ बास जेल से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया है। पपला 2 बार पुलिस कस्टडी से भाग चुका है। ऐसे में सोमवार को अब जब कोर्ट ने उसे पुलिस रिमांड से जेल भेजने को कहा, तो पुलिस ने 2 बजे किशनगढ़ जेल में रखा। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद तुरंत उसे किशनगढ़ से 300 किलोमीटर दूर अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया। दरअसल पपला के में पुलिस अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।